खबागनी, मैं चंद्रवीर सिंह राठौड़ ड्राइविंग स्कूल से जयपुर से हूँ। तो आज हमारे स्टूडेंट हमारे साथ में, और जो गाड़ी है वो टाटा की नेक्सोन है, तो कैसे चला रहे हैं, क्या है, इनको किन किन चीज़ों में दिक्कत आ रही है, तो ये सारी चीज़ें जान लेते हैं। जो गाड़ी है टाटा की नेक्सोन है, आप देख सकते हो, तो आइए मिलाते हैं स्टूडेंट से। हेलो ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव शर्मा। और आपको आपकी खुद की गाड़ी पे कौन सा डे है ड्राइविंग क्लास का? फर्स्ट डे है मेरा। इससे पहले आपने कभी गाड़ी चलाई है? हाँ, ड्राइविंग स्कूल से ही मैंने सीखी हुई है। चलो ठीक है, और आपको किन किन चीजों में प्रॉब्लम आ रही है? मेरे को फर्स्ट गियर में उठाने में और ये स्टीयरिंग को बैलेंस करने में, कंट्रोल में, है ना? हाँ जी। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीजें प्रैक्टिस के साथ साथ धीरे धीरे आएगी। जैसे हर कोई भी काम हो, प्रैक्टिस मांगता है, समझ रहे हो? जितना आप चलाओगे उतनी फिनिशिंग आएगी। स्टार्टिंग में तो हमें भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, ठीक है? तो आपने सीट एडजस्ट कर ली, सबसे पहले सीट बेल्ट लगा लिया, इंजन ऑलरेडी स्टार्ट है हमारा, तो ठीक है, अभी अपन चलेंगे। तो अभी क्लच दबाओ और फर्स्ट गियर लगाओ, गुड। साइड व्यू मिरर में हैंड ब्रेक रिलीज कर दो, गुड। अभी साइड व्यू मिरर में देख के फिर चलेंगे, ठीक। तो दोस्तों, हाँ बिल्कुल, मूव करो, क्लच छोड़ो धीरे धीरे। फर्स्ट गियर में हमेशा हमें क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना होता है, क्योंकि फर्स्ट गियर में टॉर्क ज्यादा होता है और गाड़ी क्या है, स्टॉप रहती है, तो रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी हमें उसको लाने के लिए। सेकेंड लगा लो, परफेक्ट है, अब क्लच रिलीज करके चलो। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ गियर में हम जल्दी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये गली आ रही है, पाम ब्रेक पेडल पे ले लो, हॉर्न दे दो, एक बार थोड़ा वेट करेंगे जब तक क्रॉस नहीं हो जाए। अब चलो आप एक्सीलेटर पे लेके, और पीछे देख लेना मिरर में, मेरी लेफ्ट वाले में दिख रहा है, टर्न कर गई गाड़ी। चलो ये भी गली है, हॉर्न दो और पाम भी आ जाए, अब चलो, गुड। तो दोस्तों, जो ये गाड़ी है इसमें सिक्स गियर है, आप देख सकते हैं आगे के सिक्स गियर है और एक पीछे का रिवर्स गियर है। जो रिवर्स कैसे लगता है, ये जो एक बटन है इसको दबा के फिर लगता है रिवर्स गियर हमेशा, परफेक्ट है। हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में, तो हर गली मोड़ तिराहे चौराहे पे अगर हम लोग हॉर्न देंगे तो कभी कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। डीपर डीपर ऐसे में जो हमें देख सकता है उसको डीपर देना है ना, जो हमें देख नहीं सकता सुन सकता है, जैसे वो गाड़ी ओवर आ रही है तो उसको डीपर देंगे हम कि भाई हट जा, ताकि वो जल्दी हट जाए। सही है, परफेक्ट है, चलो मूव करो। अभी स्पीड अप करके हम थर्ड गियर लगाएंगे, अभी एक्सीलेटर ड्रॉप करो, क्लच प्रेस करो, थर्ड लगाओ, गुड। तो दोस्तों, जो ये गाड़ी है इसमें इसमें कुछ मोड्स भी दे रखे हैं आपको, कि आप इको मोड पे चलाना चाहते हो, सिटी मोड पे या स्पोर्ट्स मोड पे चलाना चाहते हो, तो इसको हम रोटेट करके अपने मोड्स बदल सकते हैं। पावर कैसी चाहिए, किस तरीके की पावर चाहिए, एवरेज चाहिए या पिकअप चाहिए आपको या कंफर्ट चाहिए, जो भी है वो हम इन मोड से इसमें सेट कर सकते हैं अपने। हॉर्न दो, पाम ब्रेक पेडल पे ले लो, डीपर भी दो उसको, कि कहीं रोड क्रॉस ना कर जाए पूरी, है ना? अभी पाम ब्रेक पे क्रॉस करने दो, वो निकल चुका है लड़का। अभी इस मंदिर के पीछे भी डेयरी वगैरह है, तो पाम ब्रेक पेडल पे ही रहेगा आपका, है ना? बिल्कुल परफेक्ट है, गुड। हॉर्न देना चाहिए हमेशा, चलो। हॉर्न क्या है, अगला भी सेफ है हॉर्न से और आप भी सेफ हो, दोनों ही सेफ हो। तो दोस्तों, गाड़ी चलाने से पहले क्या होता है कि हमें अंडर द कार, फ्रंट द कार, ये सारी चीजें चेक कर लेनी है, कि गाड़ी के नीचे कोई डॉगी वगैरह तो नहीं है, गाड़ी के टायर के आसपास कोई बच्चा वगैरह तो नहीं खेल रहा है, ये सारी चीजें चेक कर लेनी है। गाड़ी का टायरों में एयर प्रेशर है नहीं है, और गाड़ी के बम्पर के आगे कोई पत्थर वगैरह तो नहीं है, ये सारी चीजें चेक कर लेनी। सीधा ही चलेंगे अपन, और अभी कट आएगा लेफ्ट में, है ना? तो वहां पे चल के हमें सेफ्टी रखनी है, हमारी गाड़ी है थर्ड गियर में। हाँ, ऐसे में पाम ब्रेक पे लिया करो, इमीडिएटली, है ना? पाम ब्रेक पेडल पे ले लो, अभी घबराना नहीं है कभी भी, आखिरी मोमेंट में भी गाड़ी को रोकने की कोशिश करनी नहीं, सीधा गियर डाउन करो, गाड़ी स्लो तो क्लच दबा के। अब बात आती है गियरों की, गियर कब लगते हैं, क्यों लगते हैं, किस काम में आते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। 0 to 10 तो चलता है अपना फर्स्ट गियर, 10 to 20 चलता है सेकेंड गियर, 20 to 30 थर्ड गियर, 30 से 60 फोर्थ गियर, द यूज ऑफ फिफ्थ गियर अबव 60 और 80 तक चलेगा, और हाईवे पे अपन सिक्स्थ गियर भी यूज में ले सकते हैं अपने।
पाव ब्रेक पे ही रहेगा, मंदिर के पीछे भी रास्ता है, डीपर दे दो बाइक वाले को। हाँ सही है, अब चलो मूव करो, पीछे देखो राइट साइड भी मिरर में गाड़ी है, निकल जाएगी। ठीक है, बस हमें पता रहना चाहिए पहले से। तो एक पुरानी कहावत है, ड्राइवर के दो आंख नहीं चार आंख होती है, तो हमारी पीछे की जो दो आंखें हैं वो मिरर्स हैं, जो साइड व्यू मिरर्स हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कई लोग फोल्ड करके चलाते हैं तो वो सबसे गलत है ना। अभी आगे से अपन लेफ्ट टर्न लेंगे, इंडिकेटर ऑन करो ऊपर, इंडिकेटर हमेशा 100 मीटर पहले ऑन कर देना। और देखो इसमें कैमरा है, लेफ्ट साइड व्यू आ रहा है मिरर में, जो यहाँ पे कैमरा लगा हुआ रहता है मिरर में भी देख सकते हैं, और वो चीजें इसमें भी दिखेगी। टर्न करो, पाव ब्रेक पेडल पे करो। हाँ बिल्कुल सही है, अभी सीधी होगी स्टीयरिंग, परफेक्ट है। हॉर्न दिया करो ऐसे में, अगले पे प्रेशर बनाना, अगले के भरोसे मत रहो, वो तो बोलेगा तुम सब तो हट जाओ, पूरी रोड में ही घेर के चलूंगा, समझ रहे हो। लेकिन हमें बताना है कि भाई ये क्या कर रहा है, थोड़ा साइड में हो, है ना। ठीक है चलो, पाव ब्रेक पेडल पे, गली है इधर बजरी के पीछे, सही है परफेक्ट है। अब मूव करो, पीछे देख लेना लेफ्ट साइड में एक स्कूटी बाइक वगैरह है, निकल जाएगी। अपन को भी लेफ्ट से लेंगे, आगे स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो हम बचाएंगे, जैसे वो टू व्हीलर्स निकल रहे हैं साइड से वैसे ही हम भी निकलेंगे। तो पहले लेफ्ट साइड भी मिरर में चेक कर लो क्लियर है, ठीक चल सकते हैं, इजी गोइंग है। तो आओ, चारों टायर दबाए, बचाएंगे हम सेफ, बच जाएंगे आराम से। देखो ठीक, ये ऐसे समझ गए, कूदी नहीं, जंप नहीं करी गाड़ी, ये अगर हमारे पास जगह है तो ही बचाना है, अदरवाइज अपन को नहीं बचाना है, ठीक है, नहीं तो ऊपर से धीरे करके ले लेंगे हम। चलो खड्डे वगैरह बचाएंगे, और अब खड्डे कैसे बचाओगे, नए ड्राइवर को पता ही नहीं होता है कि बचेगा कैसे, कहाँ क्या करना है। मैं बता देता हूँ, जैसे ये खड्डा था तो इसको हमने बीच में रखा, ये खड्डा आ रहा है तो इसको हम बीच में रख रहे हैं गाड़ी के। अब टायर कहाँ होता है, टायर इस पिलर के नीचे है, लेफ्ट वाला पोजिशन टायर की, राइट वाला इस पिलर के नीचे, ओके। तो ये पिलर जो है वो खड्डे पत्थर इन पे से नहीं जाना चाहिए। अब देखो स्पीड ब्रेकर आ रहा है आगे, तो हम चारों टायर बचाएंगे, स्पीड ब्रेकर टूटा हुआ है, ये टुकड़े को बीच में रख लेंगे, पाव ब्रेक पेडल पे ले लो और हॉर्न भी देंगे, पहले राइट देखो फिर लेफ्ट देखो, ठीक है, बच गए अपने चारों टायर। अब चलो ये फास्ट लेन होती है राइट वाली, लेफ्ट वाली स्लो लेन, लेकिन अभी कोई पीछे है ही नहीं, ऑल क्लियर है, दूर दूर तक कोई है ही नहीं, तो हम ड्राइव कर सकते हैं, और अगर कोई आता भी है तो लेफ्ट से चल जाएगा। स्लो करो, स्पीड ब्रेकर है आगे, और स्लो करो, हमें कुल मिला के इसके झटके से बचना है स्पीड ब्रेकर पे, और स्लो करो, सही है। अब छोड़ो क्लच, चलो मूव करो, फिर आगे देखो एक और स्पीड ब्रेकर रिपीट मार रहा है, स्लो करेंगे, वापस क्लच पैडल दबा लो, पाव ब्रेक पे ब्रेकिंग करने लग जाओ वहां पहुंचते पहुंचते, न तो ज्यादा धीरे न ज्यादा तेज। हमारी गाड़ी की जो है टीयर एंड वियर वो हमारे ऊपर डिपेंड करती है, ब्रेक छोड़ दो क्लच छोड़ दो, ड्राइवर के हाथ में लाइफ रहती है गाड़ी की, वो चाहे तो उसको साल भर में ही खत्म कर दे, चाहे तो 15 साल चलाए 20 साल चलाए, तो गाड़ी को तोड़ना नहीं है, आराम से चलाना है, क्लच दबाओ पाव ब्रेक पे, तो खर्चा ज्यादा मांगेगी, सस्पेंशन सिस्टम खराब होगा, ब्रेक छोड़ दो आप, रियर व्हील क्रॉस हो तो क्लच भी छोड़ देंगे। अब चलो मूव करो, फिर ये साइन बोर्ड पे स्पीड लिमिट लिखी हुई है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, कार के आगे 60 लिखा हुआ है, मतलब 60 से तेज नहीं चलाना अपन को। लेफ्ट इंडिकेटर ऑन कर लो, लेफ्ट टर्न लेंगे अपन, आगे से साइड व्यू मिरर में चेक कर लेंगे, ऑल क्लियर है। और लेफ्ट टर्न में हमेशा एक लेफ्ट में बाइक के जितना स्पेस छोड़ना है, और राइट में देख के फिर लेना, पूरी रोड नहीं घेर लेनी है, गियर ऑलरेडी सेकंड है, किसी कारणवश पूरी रुकती है तो फर्स्ट लगा लेंगे। हाँ मोड़ो, टर्न करो, बस अब क्लच छोड़ दो, एक्सीलेटर मत लेना, क्लच से ही भागेगी गाड़ी आपकी, परफेक्ट है। चलो तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।